जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आज होली के इस पावन पर्व पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आज होलिका है, कल रंगों वाला त्यौहार है, तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी संस्था की ओर से और हमारे जितने स्टाफ हैं उसकी तरफ से। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिस क्रम पे आपको बताया जाता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन नॉर्मल ही लिया जाता है। इसके तहत आपको 8 से 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन अतिरिक्त बता दिया जाता है, किसी किसी में तो और भी हो जाता है। तो एक औसतन आपका क्या 5 से 10 क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखिए कितना सही होता है। तो पहला है, बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है? एक बाइट में कितना बिट होता है? एक बाइट में कितना बिट होता है, या ऐसे बता दो कि कितने बिट बराबर एक निम्बल होते हैं, ये सब आपको बताना होगा। तीसरा, किसकी सहायक नदी है? पहले आप कमेंट करिए, यदि नहीं पता होगा तो मैं अभी पूरा बताऊंगा एक एक करके सभी को। तो तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ये जो तीस्ता नदी है किसकी सहायक नदी है? ताइवान का पुराना नाम क्या था? हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या है? ज़्यादातर प्रशांत महासागर का बताया जाता है, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या है? दो देशांतरों के बीच की दूरी का नाम क्या है? जो दो क्या नाम दिया जाता है, दूरी तो 11.3 किलोमीटर होता है। चलिए अगला, काली मृदा का निर्माण किस चट्टान द्वारा होता है? और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर कौन सी जलधाराएं हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? और लास्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी किया जाता है? तो ये आपके 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन का आंसर आप देकर चेक कर सकते हो कितना मेरा सही होता है कितना गलत। तो आज का मोटिवेशन है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, कि आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपका लक्ष्य चाहे कितना कठिन क्यों ना हो, अगर एक बार ठान लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देती है। कहते नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत है। बहुत पुरानी कहावत है, मान लो तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और मन से यदि तुम मान लिए कि मैं हार गया तो हार ही जाओगे। मन ही बहुत मतलब पॉइंट है, मन के जीते जीते मन के हारे हार, ये आपको एक ऊर्जा देती है। यदि मन से तुम हार गए तो कोई तुम्हें उत्साहित नहीं कर पाएगा, इसलिए मन से मत हारो। ठीक, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि आपका लक्ष्य कितना भी कठिन हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य ना कर सके, ऐसा कोई इस विश्व में कार्य ही नहीं है। हाँ, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप खुद ही मोटिवेट हैं, कहते नहीं दूसरा कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, जब आप चाहोगे तभी मोटिवेट हो सकते हो। ठीक, तो करना आपको है, तैयारी आपको करना है। तो बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बैंकॉक छायो फ्राया नदी, छायो नदी के किनारे बैंकॉक स्थित है। अब पूछा जाए कि बैंकॉक किस देश की राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? बैंकॉक हो जाएगा। और यह किस नदी के किनारे है? तो छायो फ्राया नदी के किनारे, जैसा कि मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, छायो फ्राया नदी ये कहाँ पर स्थित है, ये देखिए आपका ये नीचे वाला, यहाँ पर ये बैंकॉक दिख रहा होगा, ये बैंकॉक दिख रहा होगा। और इसी बैंकॉक या किस नदी पर है? छायो फ्राया नदी पर स्थित है। और इसी के बगल में एक और भी है, मेकांग नदी। कौन सा? मेकांग नदी। मेकांग पर प्ने है, क्या है? प्ने। किसकी राजधानी? कंबोडिया की। तो ये कंबोडिया की राजधानी क्या है? प्ने है, जो कि मेकांग नदी पर स्थित है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कंबोडिया की राजधानी क्या हो गया? प्ने। और यह किस नदी पर स्थित है? तो मेकांग नदी पर। और ये बैंकॉक कहाँ स्थित है? तो छायो फ्राया नदी पर, बैंकॉक छायो फ्राया। यहाँ पर एक और राजधानी स्थित है, इसे भी देख लेना, यह है नेपीदा। नेपीदा ये राजधानी है, किस नदी पर स्थित है? तो सालवीन नदी पर। ये आपका नेपीदा, ये देखो सालवीन नदी पर स्थित है, हो सकता है बलर दिखे, ये सालवीन नदी पर स्थित है क्या? ये आपका नेपीदा है, हाँ नेपीदा, इसे ध्यान से देख लेना। और ये नेपीदा किसकी राजधानी हो जाएगा? तो म्यांमार का, आप भारत का पड़ोसी देश है, तो भारत का पड़ोसी देश क्या है? नेपीदा, जो किस नदी पर स्थित है? तो सालवीन नदी पर, नेपीदा सालवीन नदी पर।
और बैंकॉक, ये आपका बैंकॉक हो जाएगा, बैंकॉक हो जाएगा छायो फ्राया नदी पर, छायो फ्राया नदी पर, ये सालवीन नदी पर, नेटिदा जो म्यांमार की राजधानी है, म्यांमार की राजधानी है, और ये थाईलैंड की राजधानी है। उसके बाद कंबोडिया की राजधानी की बात करें, कंबोडिया का तो प्ने होगा, प्ने किस नदी पर है, तो मेकांग पर, किस नदी पर, मेकांग नदी पर। आपको लोकेशन दिखा दिए हैं, अब इसको याद कैसे रखना है, जैसे ही ये नेपीदा, नेपीदा, नेपीदा की बात करें तो इसको यन से लिख सकते हो, और सेल्विन, सेल्विन को यस से लिख सकते हो, तो ये यन यस हो जाएगा। बैंकॉक को बी से लिख सकते हो, इसको सी से, तो बी सी हो जाएगा। नेह को पी से लिख सकते हो, और मेकांग को यम से, तो मतलब एक बनेगा यन यस, बी सी, बी सी और पी एम। ये याद करने का तरीका है, कोई इसमें इशू नहीं। मतलब नेपीदा सालवीन नदी के किनारे, बैंकॉक छायो फ्राया नदी के किनारे, और प्ने ये मेकोंग नदी के किनारे स्थित है। मेकोंग नदी, छायो फ्राया और सालवीन, ये आपको तीन नदियां याद रहना चाहिए, और तीन की, तीन देश की राजधानी इसके किनारे बसे हैं, म्यांमार की, थाईलैंड की, और क्या, कंबोडिया की राजधानी स्थित है। तो यहां से इतने क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है, तो ये आपका छायो फ्राया नदी के किनारे बसा है। अब म्यांमार में तो हिमालय को क्या बोला जाता है, तो हिमालय को यहाँ बोला जाता है आराकाना योमा, आराकाना योमा, तो हिमालय को यहाँ आराकाना योमा बोला जाता है। पाक में सुलेमान की पहाड़ी, और जो अफगानिस्तान है वहाँ पर हिंदू कुश बोला जाता है, भारत में तो हिमालय ही, बाकी नेपाल में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और ये हिमालय के पास में ही स्थित है। ये सब अपना जल कहाँ गिराते हैं, तो ये बंगाल की, थाईलैंड की खाड़ी है, उसी में अपना जल गिराते हैं। ये जो छायो फ्राया नदी, मेकांग और क्या, सालवीन नदी है, ये अपना जल वहाँ गिराते हैं। तो ये सब नदियाँ कहाँ स्थित है, एशिया में, एशिया या सबसे बड़ा महाद्वीप है, सात महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, एशिया है, और सबसे छोटा कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर की बात किया जाए तो अफ्रीका है। ये आपको याद रहना चाहिए कि थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, म्यांमार की नेपीदा, और कंबोडिया का प्ने, प्ने किस नदी के, मेकांग, बैंकॉक छायो फ्राया, और नेपीदा सालवीन नदी के किनारे स्थित है। लेकिन यहाँ जो आपको आंसर देना है, बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है, तो ये है छायो फ्राया नदी के किनारे पर बसा है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन निकल कर आते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख लो। कहते नहीं, कामयाबी के दरवाजे उन्हें खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं, तो उसी ताकत के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखते हैं, आइए, एक बाइट में कितना बिट होता है, तो ये आपका आंसर है कि एक बाइट में कितना बिट, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, या ऐसे समझ लो कि 8 बिट, 8 बिट इक्वल टू हो जाएगा 1 बाइट, 1 बाइट। अब इसको हिंदी में पहले लिख लेते हैं, तो ये बाइट होगा और ये बिट होगा। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो ये बड़ा है, तो बड़ा क्या, एक ही होगा, छोटा 8, ज्यादा होगा ना, तो बिट, बाइट, बिट, बाइट, बिट, एक बाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 बिट। ऐसे याद रख लेना कि एक बाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 बिट हो जाएगा। यदि आपसे पूछे 4 बिट बराबर, तो 4 बिट बराबर होता है 1 निम्बल होता है, क्या होता है, निम्बल, तो ये निम्बल हो जाएगा। और यदि आपसे पूछे कि 1024 बाइट बराबर, 1024 बाइट बराबर, तो 1 KB होता है, किलो बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, और 1024 KB, किलो बाइट इक्वल टू हो जाता है 1 MB, 1 MB, और 1024 MB इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 GB, 1 GB, और 1024 GB इक्वल टू आ जाएगा 1 TB, 1 TB। अब देखो, केबी का मतलब किलोबाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट, और जीबी ए जेगाबाइट, और ये क्या, टेराबाइट, क्या हो जाएगा, टेराबाइट, टीबी होगा, क्या होगा, टीबी नहीं, टीबी। तो 1024 बाइट में 1 KB होता है, 1024 KB में 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB हो जाएगा। ये मेमोरी है, मेमोरी, और रैम, रोम होता है, रैम, और एक रोम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी होता है। तो यहाँ से इतनी बातें निकल कर आता है कि एक
बाइट में कितना बिट होता है, तो एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। और 4 बिट इक्वल टू होता है एक निम्बल, क्या होता है एक निम्बल, और 1024 बाइट इक्वल टू होता है 1 KB, 1024 KB इक्वल टू बराबर 1 MB, 1024 MB इक्वल टू बराबर 1 GB, और 1024 GB इक्वल टू हो जाएगा 1 TB। तो यहां से एक क्वेश्चन निकल कर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तिस्ता किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका परम आंसर होगा ब्रह्मपुत्र का, किसका होगा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र पहले इसको देख लेते हैं, ये मानसरोवर झील के पास से निकले हुए और ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। यदि आपसे पूछे ये ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं, जैसे हिमालय का ये नामचा बारवा पर्वत है, नामचा बारवा आपका पर्वत है यहाँ पर इंडिम, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहीं से ये नदी आपका ब्रह्मपुत्र इंटर करती है और दो राज्यों में होते हुए अरुणाचल और क्या असम होते हुए ये आगे बढ़ती है, तो कौन सा देश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो यदि आपसे पूछे, पहले तो ये समझ लो कि तिस्ता नदी किसकी सहायक, तिस्ता किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की है, किसकी है भारत में, ब्रह्मपुत्र जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अब जहाँ से निकली है इसको तिब्बत में सांगपो बोलते हो, सांगपो, और जैसे ही इंटर यहाँ से करती है तो यहाँ पर दिहांग बोलते हो, क्या बोलते हो दिहांग, और यहाँ एक नदी दिहांग टस भी है। बाकी तिस्ता नदी की बात करें तो यहाँ से ये क्या तिस्ता नदी टस है, आकर तिस्ता नदी टच है। और यही पूछा भी गया है कि तिस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की। यदि आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जमुना, जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को। और यदि गंगा को पूछा जाए कि बांग्लादेश में क्या नाम दिया जाता है, तो पद्मा जी दिया जाता है, क्या पद्मा दिया जाता है। और संयुक्त रूप से जब आगे बढ़ते हैं तो इसी का नाम मेघना है, इसी का नाम क्या है मेघना है। और ये अपना पानी कहाँ गिराते हैं, बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ पर जो डेल्टा बनता है बड़ा सा क्षेत्र वाला, इसी को बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और तिस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की, और ब्रह्मपुत्र जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है, और गंगा का नाम क्या है पद्मा। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है और उसकी सहायक नदी तो क्या है यमुना है, यमुना याद रखना। गंगा की सहायक नदी क्या है यमुना है, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है तिस्ता है। और गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, जहां ये आकर मिलते हैं आगे जो नदी का निर्माण करते हैं, जहां ये मिलते हैं आगे तो उन्हें क्या बोलते हैं मेघना, उसके बाद आगे डेल्टा बनाते हैं। तो ये नदियों का थोड़ा सा क्रम था, लिखना चाहो आप तो लिख दो। और इसी यहीं से सिंधु नदी भी निकली है जिसकी 5 सहायक नदियां हैं। चलिए अब लंबा हो जाएगा, ताइवान का पुराना नाम क्या होगा, तो परम आंसर होगा ताइवान का फार्मोसा, क्या हो जाएगा फार्मोसा। तो ताइवान का जो पुराना नाम है उसका नाम हो जाएगा फार्मोसा। इसकी स्थिति क्या है, तो ये एशिया में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, चीन के पास में है, चीन के पास में है। और ताइवान की जो राजधानी है उसके नाम है ताइपे, ताइवान की राजधानी का नाम क्या है ताइपे है, ठीक। तो ये बातें याद रखना कि ताइवान का पुराना नाम क्या था फार्मोसा था, एशिया महाद्वीप में स्थित है, चीन के पास में ताइपे इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5वां, हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा हो जाएगा, तो ये सुंड हो जाएगा, सुंडा हो जाएगा। तो हिंद महासागर 5 महासागरों में हिंद महासागर का सबसे जो गहरा स्थान है सुंडा है, और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इसका जो सबसे गहरा स्थान है, ये विश्व का सबसे गहरा स्थान है, इसका नाम है मोरियाना गर्त, ठीक। ये प्रशांत महासागर में स्थित है क्या मोरियाना गर्त, और हिंद महासागर में स्थित क्या है सुंडा है। तो ये बातें आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मज़ेदार है, दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। पहले आपको समझना है कि देशांतर, मैं तो आंसर दे दूंगा ये गोरे, क्या याद रखना गोरे, ठीक गोरे किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक। तो गोरे यहाँ से ये बिस्वत रेखा होता है क्या, ये बिस्वत, और ऊपर एक कर्क रेखा, इसके ऊपर आर्कटिक, और यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है, और ऐसे ही मकर रेखा,
मकर रेखा, और यहाँ पर अंटार्कटिका रेखा, और यहाँ पर 90 डिग्री जो दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, क्या हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव, ये आपका उत्तरी ध्रुव। तो ऐसे रेखाएं होते हैं, कितने 90 होते हैं, इन्हें बोलेंगे क्या, अक्षांश बोलेंगे, इनका नाम क्या है, अक्षांश। ऐसे 90 ऊपर और 90 नीचे, ये टोटल कितने 180, प्लस एक बीच में विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा बोला जाता है। अब ऐसे ही रेखा होता है, इन्हीं को बोलते हैं देशांतर। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो पूर्व से पश्चिम होता है, पूर्व से पश्चिम, इसे अक्षांश बोलते हैं। इसे क्या बोलते हो, अक्षांश बोलते हो। पूर्व से जो पश्चिम होता है इसको बोलते हो अक्षांश। ये आपका पूर्व इस साइड होगा, ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण, ये आपका पूर्व, ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक। तो जो उत्तर से दक्षिण होता है इसे क्या बोलोगे, देशांतर, यही है देशांतर। अदो देशांतरों के बीच की दो दूरी होता है उसे ही बोलते हो गोरे, इसका ही नाम है गोरे। और इस गोरे की दूरी है 111.3 किलोमीटर, ये मैक्सिमम है, ध्रुवों पर कम होता है। बाकी जो पूरब से पश्चिम होता है, पूरब से पश्चिम होता है, इसका नाम है अक्षांश। अक्षांश क्या निर्धारण करता है, अक्षांश ये आपका मौसम निर्धारण करता है, जबकि देशांतर आपका समय निर्धारण या तिथि निर्धारण करता है, ये बात याद रखना। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर, ये जरूर याद रखना कि दो अक्षांशों के बीच, ये आपका अक्षांश है, इसके और इसके बीच में कितना किलोमीटर की दूरी है, तो 111 किलोमीटर की दूरी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डोल ड्रम क्या है, तो ये आपका 5 डिग्री ऊपर, विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे को ही क्या बोलेंगे, डोल ड्रम बोला जाता है, डोल ड्रम। तो ये बातें याद रखना। आर्कटिक कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री होता है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री होता है मकर रेखा, 66.5 होता है अंटार्कटिका, और आर्कटिक होता है 66.5 डिग्री, बाकी 90 डिग्री आपका क्या, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। और जो पूरब से पश्चिम होता है उसे अक्षांश बोलते हैं, जो उत्तर से दक्षिण होता है उसे क्या बोलते हैं, देशांतर। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे बोलते हो, क्या बोलते हो, गोरे। तो यहाँ से कंफर्म हो गए हो। चलो, काली मृदा का निर्माण किस मिट्टी से या किस चट्टान, तो चट्टान की बात किया गया है, तो काली मृदा का निर्माण किस चट्टान से, तो बेसाल्ट चट्टान से, ये आपका बेसाल्ट चट्टान। अब बेसाल्ट चट्टान की बात, तो बेसाल्ट चट्टान एक काली मृदा के लिए जाना जाता है, और काली मृदा में कौन सी खेती, कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती किस में की जाती है, तो काली मृदा में की जाती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो वुडरो विल्सन थे। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए इसका टाइम पीरियड, तो 1914 प्रथम विश्व युद्ध का 1918 के बीच में, 1914 से 1918, और द्वितीय वाला तो 1939 से 45, ये आपका द्वितीय हो जाता है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवा गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर कैसी जलधाराएँ हैं, कैसी जलधाराएँ हैं, तो गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीप लिखा है, स्ट्रीम हो जाएगा, वैसे समझ लो कि भाषा से गल्फ स्ट्रीम भाप, तो ये कैसी है, गर्म है। तो गल्फ स्ट्रीम कैसी है, ये आपका गर्म है। और लेब्राडोर जो आपकी जलधारा है, मतलब थोड़ा सा कूल, आराम मतलब ठंडा, तो ये कौन सी है, ठंडी जलधारा। ऐसे याद करने का तरीका है कि लेब्राडोर कैसी जलधारा है, तो ठंडी, और गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, तो ये गर्म हो जाएगा। तो ये आपका 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं, विधान परिषद, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जैसे आपका जो राज्यसभा होता है उसमें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, कौन करते हैं, 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उसी तरह विधान परिषद तो 6 राज्यों में है, ठीक, यूपी में भी है। तो इस विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसमें राज्यपाल का योगदान कितना है। वैसे देखा जाए तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के समक्ष क्या होते हैं,
शपथ लेते हैं और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन जो राज्यपाल होते हैं राष्ट्रपति के मान चलो एक दूत होते हैं दूत, और इन्हीं के अनुसार वो नियुक्त भी किया जाता है, इनका चुनाव नहीं होता है राज्यपाल का। अब विधान परिषद की बात करें तो कितने सदस्य नियुक्त करते हैं, तो 1/6। अब किसी का एक विधानसभा ले लो, ठीक, जैसे यदि यूपी में बात किया जाए राज्य विधानसभा का, तो विधानसभा 403 है, राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है, विधान परिषद 99। अब इसका एक बटा छा कर दोगे, जैसे ही छा करोगे तो छा से कैंसिल कर दोगे, तो ये 2 3 6 मतलब 1/3, मतलब 33 इसका क्या हो जाएगा, ऐसे कर लो, चलो 3 3 9 3 3 9 3 2 6 लगभग 18 सदस्य, 17.17 × 34 17 आ जाएगा, कितना 17 सदस्य नियुक्त करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि यूपी में कितने विधान परिषद हैं, तो 99 और ये लोकसभा कितने हैं 80, राज्यसभा 31 और ये विधानसभा है, इन्हीं को क्या बोलते हो EMLA और इनको बोलते हो AMLC, ये कहते नहीं MLC का चुनाव है। विधान परिषद का चुनाव क्या होता है, जो ग्रेजुएट होते हैं या टीचर आदि लोग देते हैं, जबकि MLA का चुनाव होता है 18 साल के व्यक्ति या इससे बड़े बुजुर्ग देते हैं, कितने 18 साल वाले, और इनका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष, इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। यदि अनुच्छेद की बात करोगे तो विधानसभा अनुच्छेद 170 में है, जबकि विधान परिषद आपका MLC 169 में है, 169 में, बाकी राज्यसभा तो राज्यसभा आपका 80 में है, जबकि लोकसभा 81 में है, लोकसभा 81 में, और संसद कितने में है 79 में है, 79 में। तो संसद के वो दो पार्ट हो जाएंगे क्या, राज्यसभा और लोकसभा, विधानमंडल के दो पार्ट हो जाएंगे, एक को बोलोगे विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा, जिसको MLA और MLC ये आपका विधायक होंगे, क्या होंगे विधायक, इन्हीं को विधायक बोला जाता है, ठीक। तो ये बातें कंफर्म होना चाहिए कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, हो सकता है मैं आपको टाइम लगा हो समझाने में, 1/6 ये आपका आंसर होना चाहिए, 1/6 सदस्य नियुक्त करते हैं, चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आपका दल बदल से संबंधित है, मतलब और 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर पालिका, डी ये आपको, 9वीं भूमि सुधार, 8वीं में भाषा है आपका, 8वीं में भाषा, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं आपका क्या है दल बदल, 11वीं पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं नगर पालिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी किया जाता है, तो ये आपका अध्यादेश जारी करने का 123 का मतलब 123 अनुच्छेद में है, तो 123 में आपका अध्यादेश है, उसके बाद क्या है SC है, मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय 124 में है, ठीक, ये बातें आपको याद रखना है, बाकी 214 में आपका है HC मतलब उच्च न्यायालय है, और इसको क्या बोलते हो 124 वाले को उच्चतम न्यायालय SC बोलते हो, उसको HC उसको SC, ठीक, ये ध्यान रखना है, और हमारा क्या सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, वो दिल्ली में है, ठीक। तो किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी किया जाता है 130, तो ये आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक बार पुनः देख लेते हैं, एक बार रिविज़न कर लेते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है, तो ये आपको बताना है किस नदी के किनारे, तो छायो फ्राया नदी के किनारे बसा है, एक बाइट में कितना बिट होता है, तो 8 बिट होता है। तिस्ता किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की। ताइवान का पुराना नाम क्या है, तो फार्मोसा है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो ये सुंडा है। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे, और ये दूरी होता है 111.3 किलोमीटर। काली मृदा का निर्माण किस चट्टान से, तो बेसाल्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति तो वुडरो विल्सन थे। और गल्फ स्ट्रीम या लेब्राडोर कैसी जलधारा है, ये आपकी एक गर्म है दूसरी ठंडी है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो 1/6। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से। और किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी किया जाता है, तो आपका 123 123। तो इन सब बातों को याद रखना, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए, डे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपना ऐसा बिहेवियर रखिए कि आपसे लोग सुरक्षित महसूस करें।
मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात ध्यान देना, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर जरूर करना और लाइक वाइक वाला जो भी बटन हो उसे दबा देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे क्या ऊर्जा मिलेगी। आपको भी ऊर्जा चाहिए, मुझे भी ऊर्जा चाहिए। जय हिंद। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अभी मैं बताया कि भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मुख्यमंत्री किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके समक्ष शपथ लेते हैं। माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो माउंट मैकिले ये राकी पर्वत श्रृंखला का जो अलास्का वाला क्षेत्र है उसकी ये चोटी है। जी का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू, गाडविन, एस्टिविन बोलते हो। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये काली मृदा है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अपना जल किस सागर में गिराती हैं? तो ये अपना सागर अरब सागर में। कौन से सागर में? अरब सागर में। ठीक, अगला, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? एक। धनार ऋणायन की बात करें तो क्लोरीन क्या है? ऋणायन है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एक अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है? 111। याद रखना। फॉर्म क्या होता है? तो IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। USA और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो गांद्रे नदी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो थायमिन। ग्रीन हाउस गैस का नाम बताओ? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। अगला हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। डायोप्टर किसका मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक। दूरदृष्टि निवारण है कौन सा लेंस? तो ये उत्तल लेंस। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। कौन सा? CaO हो जाएगा। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल। तो ये आपके मैकेंजी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सिंधु की कौन सी सहायक नदी सिर्फ भारत में बहती है? तो ये आपका व्यास है। कौन सा? व्यास। यमन की राजधानी क्या है? यमन की राजधानी सना है। डेसिबल किसका मात्रक है? तो ये ध्वनि की तीव्रता का। अगला, अराफुरा सागर ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में स्थित है? तो ये उत्तर दिशा में स्थित है, ऊपर साइड में, ठीक पापुआ न्यू गिनी के पास, और उसके बगल में देखोगे तो कोरल सागर है। बाकी कलिंग तट भारत के किस दिशा में? तो ये पूर्व में कलिंग तट है, पश्चिम वेस्ट बंगाल वाला और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र वाला। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओम किसका मात्रक? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक। निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 15 है। पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में? तो भाग 9 में। और अनुसूची की बात किया जाए तो 11वीं अनुसूची में। किसमें है? 11वीं अनुसूची में। ये कंप्लीट आपके 10 क्वेश्चन हो गए। तो कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? परम आंसर होगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है? तो जी का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है, ध्रुवों पर महत्तम होता है, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर द्वारा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? 1/2 mv² स्क्वायर हो जाएगा। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। गुरशिखर किस पर्वत की चोटी है? तो अरावली पर्वत की चोटी है। मसूरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड यूके, जहाँ फूलों की घाटी है, यूके फूलों की घाटी। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन तो कितना है? 5 लाख है वर्तमान वेतन। जापान के द्वीपों का क्रम कौन सा है? तो यच के एक क्रम हो जाएगा। होकाइडो, हिंसू, सिकोको और क्या? किन्सो। और योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो हृदय के किस भाग से शुद्ध रक्त आता है? तो बायां अलिंद, अलिंद में आता है। दाएं में क्या आता है? अशुद्ध। और बाएं में क्या आता है? शुद्ध रक्त है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो ये लेफ्ट में क्या होगा? शुद्ध रक्त आता है। अगला, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो ये आपका BC है। कौन सा? BC। बाकी के EDA क्या है? वसा में घुलनशील। श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 4%। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? तो ये है मृत जीवी है।
नित्य जीवी है ईस्ट, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी देश नहीं है? तो अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। उसी दिन क्या ये शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, 19 नवंबर याद रखना। बाकी राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? तो पत्तीय तनाव और शाखाओं द्वारा ये संभव है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो नियुक्ति की बात तो 155 होगा। नियुक्ति की बात किसमें होगा? 155 में। और पादप में जल का समाहरण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कौन सा अनुच्छेद है? 108 है। IMF की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1944 में। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? डेविस जलसंधि है। समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 14 से 18 है। अर्घ किसका मात्रक है? अर्घ कार्य का मात्रक है। साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण तेल और वसा में जब क्षार मिलाते हो उससे जो अपक्रिया होता है वही साबुनीकरण कहलाता है। कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? लिम्पोपो नदी दो बार काटती है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नसों को क्या कहते हैं? तो धमनियां कहते हैं या धमनी कहते हैं। तो ये कंप्लीट 10 क्वेश्चन। वह राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, इस पर भी चर्चा किया गया है, वीडियो को देख लेना। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो यह USA में स्थित है। अस्पृता छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो 17 में है। रैम कैसी मेमोरी है? तो ये प्राथमिक मेमोरी है। पंपास घास के मैदान किस देश में है? तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे साइड में है, जो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत के किस द्वीप पर प्रवाल भित्ति पाया जाता है? तो ये लक्षद्वीप में है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? अभी मैं बताया, एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। देखिए दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में? तो 11वें अनुच्छेद में। बेरिंग जल संधि किन महाद्वीपों से, मतलब किन किन महाद्वीपों को अलग करता है? तो उत्तरी और एशिया महाद्वीप का। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है आपका। ओम का मात्रक है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ATM का आविष्कार या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉन सेफर्ड ने किया था। कौन किया था? जॉन सेफर्ड। ATM का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। महान युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध का समय काल क्या था? अभी मैंने बताया, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच। अगला, सूर्य का औसतन ताप कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का। और इस पर सबसे ज़्यादा जो एक गैसी गोला है सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। पहले नंबर पर 71% हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है? हीलियम है। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होगा? सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ये आते हैं। डेट्रॉइट शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉइट शहर मोटर गाड़ियों के सामान के लिए प्रसिद्ध है। डी, और बास्पोरस की जलसंधि किस सागर को जोड़ता है? तो काला सागर और क्या? मरमरा सी को जोड़ता है। पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। किस संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। डी, यदि किसी भी पदार्थ का आयतन बढ़ा दिया जाए तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कूलाम किसका मात्रक है? तो आवेश का। HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। ठीक, अरल सागर किन किन देशों से सीमा साझा करता है? तो अरल दो देशों से, उज्बेकिस्तान और क्या? कजाकिस्तान। फिटकरी का सूत्र क्या होगा? K2SO4Al2SO4 का थ्राइस 24H2O। जल का pH मान कितना होगा? 7। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है? तो AN-225 है। ठीक, अभी यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ये काफ़ी खर्च में है। ठीक, दूसरा है
सुनने भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च को। बाइपा की खान किस प्रायद्वीप में है, स्थित है केपीआर्क में। और प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोस है। चिली के किस क्षेत्र में अरिका स्थित है, तो ये उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। 1 मीटर में कितना माइक्रॉन, तो 10^6 माइक्रॉन होगा। आपात उपबंध किस भाग में है, तो भाग ए 18 में है। 1 नॉटिकल में कितने किलोमीटर के बराबर, तो 1.86 मील किलोमीटर के बराबर होगा। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, अभी मैंने बताया R2 + R π होगा। सोलेमन द्वीप कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित कोरल सागर के पास में ही सोलेमन द्वीप स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक।